रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी पीटी में कई लोगों का प्रश्न आया हुआ है कि 100 मीटर रनिंग हमने 4 मिनट 15 सेकंड से पहले पूरा कर लिया था, फिर भी हमें डिस्क्वालीफाई रिजल्ट दिखा रहा है, क्या करूँ? ये ऐसा रेलवे क्यों गलती कर रहा है या स्टूडेंट का मिस्टेक है? तो इसी के बारे में हम 100 मीटर रेस का 4 मिनट 15 के बारे में हम समझेंगे इस बार, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरसी एनआर पे आ चुका है। नॉर्दर्न रेलवे का जो है चंडीगढ़ वाला या दिल्ली के टर्म में यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत से लोगों का क्वायरी आया है कि 1000 मिनट हमने एकदम बिल्कुल 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट से पहले 4 मिनट 5 सेकंड में पूरा कर लिया और मेरा डिसक्वालीफाई दिखा रहा है। तो इसके लिए पहले नोटिस आपको दिखा दें, उसके बाद बात करेंगे थोड़ी सी। तो नोटिस में आप यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। पहले वेबसाइट देख ले, उत्तर रेलवे का है, भारतीय रेलवे का, rrcnr.org। इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट टू नोट डैट केस टाइम टेकन ऑफ 1000 मीटर शोवन इन लेस देन क्वालिफाई टाइम। रिजल्ट में आपको क्या शो कर रहा है कि 1000 मीटर वाला दौड़ आपने 4 मिनट 15 सेकंड से पहले पूरा कर लिया है और स्टेटस शो कर रहा है आप क्या नॉट क्वालिफाई हैं। दिस मीन्स दैट टाइम गिवन फॉर दी पार्ट लैप्स कंप्लीटेड, यानी किसी भी पार्ट या पूरी लैप्स में आपने कहीं भी शॉर्टकट अप्लाई किया है एंड दैट कैंडिडेट हैज़ नॉट कंप्लीटेड दी फोर लैप्स। पूरी फोर लैप्स आपने पूरा टाइम से कंप्लीट नहीं किया है। तो चलिए इसको समझाते हैं, है क्या ये। तो हम कहते हैं आपने पढ़ाई किया होगा, सब लोग पढ़ते हैं, डब्लू को क्या बोलते हैं, वर्क, कार बराबर क्या होता है, एफ गुने डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ इसी चीज़ को कहें, अगर हमारा पीटी हो रहा है तो पीटी में क्या है, कार्ज हमारा क्या है, 1000 मीटर रनिंग है और फोर्स क्या है, कितनी हम ताकत से दौड़ रहे हैं और कितना डिस्टेंस कर रहे हैं और इस पे मॉनिटर करने के लिए क्या लगा हुआ है चीप। अब क्या हो रहा है यहाँ पे समझिएगा, आपने 1000 मीटर को ये टाइम के टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में यानी फोर्स अपर का टाइम है और डी डिस्प्लेसमेंट है यानी दूरी है, इसमें अगर कहीं भी आपने शॉर्टकट किया वो कौन पढ़ रहा है, सारा पढ़ रहा है चिप्स और डाटा। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, जैसे एक राउंड आपका ये दिया हुआ है, चकोर ग्राउंड है, ये राउंड को आपको 4 चक्कर में पूरा करने थे जैसे हम इन नॉर्दर्न रेलवे ने दिया है, तब आपकी 1000 मीटर की रेस पूरी होगी। कुछ कैंडिडेट में ऐसा नोटिस किया गया है कि वो 3 चक्कर लगा के ही रुक गए, बोले मैं 3 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट कर लिया हूँ लेकिन एक्चुअल चक्कर 3 हुआ। तो अगर ये 250 मीटर का एक चक्कर था तो 3 चक्कर उनका चक्कर डिस्टेंस कितना हुआ, 750 मीटर ही हुआ। और इन्होंने कहा कि 3.5 सेकंड में हमारा टाइम तो दिखाएगा यही, क्योंकि चिप्स से आप जितनी बार गुजरेंगे उतना ही टाइम कैलकुलेट हो करेगा। तो टाइम कैलकुलेट किया लेकिन आपका डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट किया, दोनों अलग अलग चीज़ है। यानी 750 मीटर आपने टाइम 3 मिनट 50 सेकंड या 3 मिनट 15 सेकंड या 20 सेकंड जितना में कंप्लीट कर लिया, तो टाइम आपका कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, एक कारण ये है। दूसरा कारण एक और है, लोगों बताया गया है कई जगह हो रही है कि इसी जो राउंड आपका लिया हुआ है कई लोग कॉर्नर पे शॉर्टकट मार रहे हैं, कई जगह पे तो हल्के बहुत शॉर्टकट मार ले रहे हैं जिसके कारण से भी वो डिस्टेंस, जैसे 1000 मीटर की दौड़ है और ये 998 भी हो जाएगा तो आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। तो कई जगह लोग शॉर्टकट नहीं करें, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपके पैरों में लगाया जा रहा है चिप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कर रहा है जिसके कारण से भी कुछ कैंडिडेट समय से पहले पूरा करने के बाद भी डिसक्वालीफाई हो गए, यानी 1000 मीटर किसी न किसी कारण से कम रह गया, तभी हो रहे हैं। दूसरी ये भी गलती हो सकती है कि जहाँ से हमने मैट से गुजरा उस समय चिप एक्टिव ही नहीं हुआ, तो अगर चिप एक्टिव नहीं होता है तो रेलवे की गलती पूरी पूरी है, चिप एक्टिव होनी चाहिए पूरी तरीके से। लेकिन ज़्यादा केस में अगर चिप एक्टिव नहीं होगा तो आपका ये टाइम भी नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, टाइम और डिस्टेंस में से एक नहीं मिसमैच करेगा, मिसमैच करेगा तो दोनों करेगा। तो उम्मीद है कि ये थोड़ी सी आप इसको ध्यान से करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि वहाँ आपको गाइडेंस क्या मिलता है, उसी अनुसार से करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।